अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का। इसके लिए मुझे चाहिए चिकन बोनलेस 1/2 kg, लहसुन अदरक पेस्ट 1 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करें, टिक्का मसाला आपको 1.5 टेबल स्पून चाहिए, लेमन जूस हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून, दही चाहिए 2 टेबल स्पून। चलिए मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। एक सॉस पैन लिया मैंने, उसमें योगर्ट, अदरक लहसुन पेस्ट, लेमन जूस, टिक्का मसाला, नमक और मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी इसमें ऐड किए, और सारे मसाले मैंने मिक्स करके इसे कवर कर दिया और लो फ्लेम में 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे कुक किया। 8 से 10 मिनट में चिकन कुक हो गया था, फिर मैंने इसे मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर दिया और इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया। चिकन टिक्का रेडी हो गया और फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया और इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स किया, भुना और इसकी भुनाई की और ये चिकन टिक्का हमारा रेडी हो गया। इसी चिकन टिक्का को आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, कोई रैप्स बना सकते हैं इसके, कोई सैंडविचेस बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। मैं इसका ब्रेड पैटीज बनाने लगी हूँ, चले मैं आपको ब्रेड पैटीज बनाना सिखाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पैटीज। इसके लिए मुझे चाहिए 6 स्लाइस, जिसकी मैंने साइड्स कट कर दिए। ये मैंने ब्रेड पीस लिए हैं, 6 लिए, इसकी साइड्स कट करके उसका मैंने ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए हैं, ग्राइंड कर दिए इसको। ये फ्रेश होममेड क्रम्स हैं। एक अंडा चाहिए, 1/2 कप चीज, 1 कप चिकन टिक्का, इसे मैंने क्यूब्स में कट करके मैंने आपको दिखा दिया कैसे बनाना है, और गार्लिक मायो। अगर आपके पास गार्लिक सॉस नहीं है तो वो आप मेयोनीज भी यूज कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह बनाना है। ये देखिए मेरी ब्रेड पैटी रेडी हो गई है और बहुत खस्ता है। ये देखिए मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कॉर्न चाट। इसके लिए मुझे चाहिए कॉर्न 1 कप, इसे मैंने बॉईल कर लिया था, हरी मिर्चें मैंने 1 ली हैं,
अनियन जो है प्याज वो मैंने लिए है 1 टेबल स्पून, टमाटर मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून चॉप्ड कर लिए है प्याज भी अनियन भी, खीरा मैंने लिए है 2 टेबल स्पून, लेमन जूस मैंने लिया 1/2 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज करें, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, मक्खन 1 टीस्पून। चले मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। सॉस पैन में बटर ऐड करें और जब वो मेल्ट हो जाए तो उसमें फिर कॉर्न ऐड कर दें और उसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनें। फिर उसमें आप चाट मसाला ऐड करें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया था, ज्यादा नहीं ऐड किया था मैंने। बस ये रेडी है और इसमें अब आप इसे डिश आउट कर लें और इसमें सारी सब्जियां जितनी भी मैंने आपको दिखाई थी, जो सैलड था वो सारा ऐड कर लें और इसमें आप लेमन ऐड करें और इसे मज़े से खा लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चना चाट। इसके लिए मुझे चाहिए 1/2 किलो सफेद चने, इसे मैंने बॉईल कर लिया था, 1 स्मॉल साइज का प्याज, 1 मीडियम साइज का टमाटर, खीरा चाहिए 1/2 कप चॉप कर लिया था, रेड कैबेज मैंने 1/2 कप लिया, आप दूसरी बंद गोभी भी यूज करते हैं कर सकते हैं, ग्रीन 3 से 4 हरी मिर्चें, कुछ पुदीने के पत्ते, 1 कप बॉयल आलू और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज करें, चाट मसाला 2 टेबल स्पून, योगर्ट आप लें 1 कप और इमली की चटनी आप लें 3 से 4 टेबलस्पून। चलें अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले बॉल में आप चने डालें और आलू जो मैंने बॉईल किए हैं मैंने इसे क्यूब्स में कट कर लिया, आप देख लें आपको जिस तरह पसंद है आप उसी तरह डालें, और 1 मीडियम साइज का जो टमाटर है वो मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है, प्याज मैंने स्लाइस कट किए हैं, सब जितनी भी सब्जियां मैंने आपको दिखाई थी वो सारी इसमें मैंने शामिल कर दी। और अगर आप खीरा जो है वो पील ऑफ करके खाते हैं तो आप उसको पील ऑफ कर दें, मैंने पील ऑफ नहीं किया। और मैंने फिर इसमें पुदीना ऐड किया है, नमक और चाट मसाला ऐड करूंगी, इमली की चटनी मैंने डाली है 2 से 3 टेबलस्पून आप डालें, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी डालें, लेकिन ये दही वाली चाट है तो इसमें इमली की चटनी थोड़ी ही अच्छी लगती है, इसमें थोड़ा नमक और चाट मसाला जरा ज्यादा मजेदार लगता है। फिर मैंने इसमें दही डाली है 1 कप और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और इसमें इमली की चटनी शामिल की है, और लास्ट में मैंने इसमें पापड़ी डाली है मिक्स करके अच्छी तरह, और उसके ऊपर फिर मैंने चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा इमली की चटनी डाली है और चना चाट रेडी हो गई, बहुत मजेदार बनी। आप जरूर ट्राई करना, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई इसे जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। रमज़ान मुबारक आप सबको, उम्मीद करती हूँ आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। आज यहाँ पर इंग्लैंड में दूसरा रोज़ा है तो आज मैं बना रही हूँ मखनी हांडी। इसके लिए मुझे चाहिए 1 kg चिकन, ये 1 मीडियम साइज का चिकन है, 1 कप क्रीम, 1 कप योगर्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, 1/3 कप ऑयल, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सूखा धनिया, इसे मैंने भूनकर क्रश कर लिया, 1/2 टीस्पून कलवंजी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्चें इसे मैंने क्रश कर लिया, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, ये है 40 to 50 ग्राम आप कोई सा भी बटर जो आप जो हम सब यूज करते हैं, 1 मीडियम साइज का प्याज। चले अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ऑयल, इसमें गरम हो जाएगा, मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज, ये देखिए प्याज ब्राउन होने लग गया, मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक पेस्ट, एक मिनट के लिए लहसुन अदरक पेस्ट को मैं इसमें भूनूंगी, उसके बाद फिर मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी, ये मैंने इसको 1 मिनट अच्छी तरह इसकी बनाई की है, अब मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी,
ये देखिए चिकन ब्राउन होने लग गए, मैंने इसे अच्छी तरह इसकी भुनाई की है। अब मैं इसमें सारे गर्म मसाले ऐड करूंगी जो मैंने आपको दिखाए थे, ये जीरा, सूखा धनिया, कलवंजी और काली मिर्च। गरम मसाला हम लास्ट में ऐड करेंगे, गरम मसाला अभी नहीं शामिल करना। और इसमें ये ग्रीन मिर्च, ये देखेंगे अच्छी तरह अच्छी भी भुनाई हो गई है, मसालों की भी मिक्स कर दी। अब मैं इसमें योगर्ट ऐड करूंगी एक कप, ये देखें। अब इसे मैं 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करूंगी, कवर करने लगी हूँ मैं इसे मीडियम फ्लेम करके। इसे 15 मिनट के लिए हम कुक करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से चिकन कुक हो जाए। ये देखें 15 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम में मैंने इसे कुक किया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी। इसमें क्रीम शामिल करूंगी एक कप, इसे मैं कवर कर दूंगी 8 से 10 मिनट के लिए। इसे मैं कवर कर दूंगी मीडियम फ्लेम में। अब मैं इसमें बटर ऐड करूंगी और इसे फिर कवर कर दूंगी। ये देखिए इसका ऑयल बाहर आने लग गया, तो अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूंगी और अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चिकन मखनी हांडी रेडी हो गई है और ये बहुत मजे की बनी है और 30 से 35 मिनट्स में ये रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए रोटी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने आटा नहीं गूंदा होता और बच्चों को किसी सालन के साथ खाना खिलाना होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही ईजी है। नॉर्मली अगर आटा हो उसको बेलना पड़ता है, करना पड़ता है। इसमें हम जल्दी जल्दी रोटी किस तरह बनाए बच्चों के लिए वो मैं आपको ईजी वे दिखाऊंगी। और इसमें देखें एग भी डल रहा है, मिल्क भी है, आटा भी है, सब कुछ इसमें ऐड हो जाता है, तो वो बच्चों के लिए ताकत वाला भी बन जाता है, मज़ेदार भी बन जाती है, रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। तो इसके लिए मुझे चाहिए आधा कप आटा, कोई सा भी आप फ्लावर जो भी यूज करते हैं वो यूज करें आप, और आधा कप मैंने दूध लिया है। ये डिपेंड करता है कितना उसका मिक्सचर किस तरह मिक्स करना है, तो ये मैं आपको जब करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। एक मैंने लिया है एग, काली मिर्च, नमक, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। देसी घी, ये जो मैंने जिसके साथ हमने ये रोटी को पकाना है, आप कोई अगर आप बटर यूज करते हैं या ऑयल यूज करना चाहते हैं, घी जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो कर लें। मैं देसी घी में बनाती हूँ। 1 टेबलस्पून है और एक छोटा मैंने ये वाइन टोमेटो लिया है और ये 2 से 3 टेबलस्पून जो है ये चीज है। चलें अब शुरू करते हैं। इसमें मैं सारा कुछ इसमें ऐड कर दूंगी, आटा और ये मिल्क, अंडा, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ।
आटा डाला है। देखें अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मिल्क, पूरा डाला मैंने अभी, और ये एग, ये सब कुछ मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखें हाफ कप जो आपको मिल्क दिखाया था, हाफ कप आटा, ये दोनों मैंने इसमें मिक्स कर दिया और एक अंडा मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर और साथ नमक इसमें ऐड करूंगी, कि आप अपने बच्चों के टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। मैं अपने बच्चों के टेस्ट के मुताबिक ऐड कर रही हूँ। ये देखें इस तरह का मिक्सचर इसका रेडी करना है। ये मैंने चीज, ऑलिव्स वगैरह सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। बच्चों को ये बना के खिलाएं, बच्चे बहुत पसंद करेंगे और बहुत मजे का बनता है। ये देखें मैंने इसमें देसी घी डाला है और घी अच्छे से गर्म हो गया। मैं इसमें ये मिक्सचर ऐड करूंगी। देखें रेडी हो गया। अब मैं ये बच्चों को जाके दूंगी। बहुत मजे का है, आप जरूर ट्राई करना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार चिकन कढ़ाई, जिसके लिए हमें चाहिए एक मीडियम चिकन, चार टमाटर जिसकी मैंने पेस्ट कर ली है, हाफ कप ऑयल, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, एक स्मॉल साइज़ का प्याज, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर, इसको मैंने रोस्ट कर लिया, अच्छे से भून लिया इसको मैंने, ये 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ये भी मैंने अच्छे से भून लिया, ये भी 1 टीस्पून, हरी मिर्च और अदरक मैंने गार्निशिंग के लिए काट लिए। हम शुरू करते हैं चिकन कढ़ाई बनाना। मैंने फ्लेम ऑन कर लिए। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल, प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो रहा है। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। ताकि अदरक लहसुन पेस्ट अच्छे से चिकन में मिक्स हो गए और स्मेल ना आए। ये देखिए चिकन ब्राउन होने लग गया अच्छे से।
ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है ये खाना, तो बहुत इजी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने जो आपको मसाले दिखाए थे वो हम इसमें सारे ऐड कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे, जब भी अच्छे से कुक हो जाएगा चिकन फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। इसमें पानी ऐड नहीं करना, बस हमने इसको कवर कर देना। ये चिकन की देखिए, मेरे चिकन को मैंने 15 मिनट के लिए कुक किया है, ये अच्छे से कुक हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून योगर्ट। ज्यादा ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा, क्योंकि इसमें टमाटर ऑलरेडी 4 ऐड किए हैं। अदरक ऐड करूंगी और हरी मिर्चें। ये मैंने मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से कुक किए। ये हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल लोबिया। इसके लिए मुझे चाहिए 2 कप लोबिया, इसे मैंने बॉईल कर लिए 250 ग्राम, 1 टीस्पून जीरा, 1 स्टिक दालचीनी की, 2 छोटी इलायचियाँ, 4 लौंग, 1 टीस्पून सूखा धनिया, इसे मैंने भून के पीस लिए, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून कूटी मिर्च, 3 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 मीडियम साइज का प्याज, 5 to 6 टेबलस्पून, 2 टमाटर मैंने इसकी पेस्ट कर लिए, 1/2 कप ऑयल। चलें अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ।
अब इसमें मैं बाकी के मसाले ऐड करूंगी, सूखा धनिया, नमक, हल्दी, कसूरी मेथी, छोटी मिर्चें। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करके हाफ कप से भी थोड़ा कम ऐड करके इसे कवर कर दूंगी, थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम में कुक करूंगी। ये देखें मैंने इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाया है लो फ्लेम में। ये मसाला रेडी है, लोबिया है ये 250 ग्राम, इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए मैंने इसकी भुनाई की है, अच्छे से इसका ऑयल बाहर आने लगी है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूंगी, हाफ हरी मिर्ची, हाफ मैं लास्ट में ऐड करूंगी और इसमें पानी ऐड करूंगी। 1 कप मैंने पानी ऐड किया। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक करूंगी और लोबिया हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखें मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में, मीडियम टू लो फ्लेम में इसे कुक किया। पहले मैंने इसे मीडियम फ्लेम में किया 5 मिनट के लिए, फिर मैंने इसे लो फ्लेम में कुक किया। ये ब्रेड ही है हमारा, इसका ऑयल भी बाहर आ गया और अब इसमें मैं मजीद जो बाकी की वो थी हरी मिर्च वो ऐड करूंगी, इसमें मैं धनिया ऐड करूंगी। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा ढाबा स्टाइल लोबिया रेडी हो गया है, बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार बना हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी है, जल्दी बन जाता है ये। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।